ये पैसे ले लो, ये कार ले लो, ये बंगला ले लो, मुझे बहुत जेलस फील होता है। आप मुस्लिम होकर बिंदी लगाती हो, सॉरी गाइस, टीवी पर भी आई थी, बहुत अच्छा वाला सीक्रेट है। नहीं, उन्होंने सपोर्ट नहीं करा। योर बीएफ नहीं, माय गॉड, आई जस्ट लव माय, खूबसूरत लगता है ना, मतलब क्या खूबसूरत लगता है, ये क्या हो गया? एम्बेरसिंग मोमेंट इन पब्लिक प्लेस, और फिर मुझसे भीख मंगवाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और मैं हूँ सी एस फरहान, और आप इस वीडियो को देखेंगे ऑन अस्फरनामा, क्योंकि ये है Q&A पार्ट 3 फाइनली। आई थिंक 1.5 साल से ज़्यादा हो गया मैंने अपनी Q&A वीडियो जब से करी है, एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं करूँगी, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, कुछ ना कुछ चीज़ें लगी जा रही थी। सो मैंने सोचा था कि 100 के हिट होने के बाद मैं Q&A लेकर आऊँगी, और अभी हो चुके हैं 127 के, काफ़ी देर हो गए, नो बट देर आए दुरुस्त आए। तो अब मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ, जो भी मैंने आपसे पूछे थे कल अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में ना, आपने मुझे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, लाइक आई कैन शो यू, लाइक 100 से ऊपर क्वेश्चंस होंगे, ये सारे मेरे फ़ोन में हैं, एंड यहीं से मैं इन सभी के आंसर देने वाली हूँ, बहुत क्वेश्चंस हैं। तो सबके तो ऑब्वियसली मैं आंसर नहीं दे पाऊँगी, तो जो मैं दे सकती हूँ वो मैं दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं विद आर फर्स्ट क्वेश्चन। ये पूछते हैं आपके प्यारे शुभम गुप्ता, पिक 1 यूट्यूब और 1 करोड़। इस क्वेश्चन के ऊपर कोई सेकंड थॉट हो ही नहीं सकता मेरा। सिंपली मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए, एक माँ के लिए सबसे प्यारी चीज़ क्या होती है? उसके बच्चे, क्योंकि उसने उनको बनाया होता है ना। तो जिस चीज़ को आप क्रिएट करते हो वो आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है, सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, जिसको आप पाल पोस कर बड़ा करते हो। ऐसे ही मैं अपने यूट्यूब को देखती हूँ। मैंने अपने यूट्यूब को 0 से शुरू किया था, एंड नाउ आई एम एट 127K। ये 2 साल की जर्नी रही है मेरी, मैंने बहुत मेहनत करी है, इसको पाल पोस कर बड़ा करा है इतना। तो चाहे आप मुझे करोड़ों अरबों रुपए ही क्यों ना दे दें और बोलें कि ये पैसे ले लो, ये कार ले लो, ये बंगला ले लो और यूट्यूब हमें दे दो, नहीं दूंगी भैया। इवन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि जॉब वर्सेज यूट्यूब, आई विल से यूट्यूब, क्योंकि ये मेरे दिल के सबसे करीब है, बहुत सारे इमोशंस जुड़े हैं, एंड यूट्यूब ने भी मुझे बहुत सारी चीज़ें दी हैं। मैंने यूट्यूब को बहुत कुछ दिया अपना, और यूट्यूब ने भी मुझे बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो यूट्यूब तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम शिवांशु, आपका कोई निकनेम? सो यस, मेरा निकनेम है अज्जू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम निशा, आप छोटी छोटी खुशियों को कैसे रियलाइज करती हो? हाउ डू यू कीप हैप्पी दी? ओके, सो बेसिकली आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। मेरे जो इमोशंस होते हैं ना वो एक्सट्रीम होते हैं, मतलब मैं खुश हूँ तो बहुत खुश हूँ, दुखी हूँ तो बहुत दुखी हूँ। तो इसी हिसाब से क्या होता है ना कि मैं छोटी छोटी चीज़ें मुझे हर्ट भी कर देती हैं, वहीं छोटी छोटी चीज़ों से मैं खुश भी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम केटी राहुल, सीक्रेट्स ऑफ योर ब्यूटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम ब्लेस्ड विद गुड स्किन, मेरी हमेशा से अच्छी स्किन रही है, कभी मुझे ऐसे यू नो पिम्पल एक्ने की प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। जब मेंटेन की बात आती है ना, तो आई डू माई स्किन केयर रूटीन ट्वाइस अ डे विदाउट फेल। उसके अलावा इन केस मुझे लगता है कि मेरी स्किन पे, जैसे मेरे फोरहेड पे ना एक्ने होना शुरू हो गए थे, मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करी, होम रेमेडीज ट्राई करी, बहुत कुछ ट्राई करा, बट नहीं सही हुआ। उसके बाद आई वेंट टू अ डर्मेट। नाउ मैं हमेशा यही एडवाइस करूँगी आपको कि कभी भी आपको घरेलू नुस्खों पर बिलीव नहीं करना चाहिए, मतलब बिलीव कर सकते हो इनकेस इट इज़ वर्किंग फॉर यू, बट नहीं वर्क कर रहे हैं इन दैट केस आपको डर्मेट के पास विजिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है काफ़ी बार आपकी बॉडी के अंदर जो चीज़ें हो रही ना उसका रिफ्लेक्शन आपके फेस पर आ रहा है, कि आपकी पिगमेंटेशन हो गई, आपके यू नो एक्नेस निकल आए, आपका स्किन डार्क हो गई, या फिर जो भी प्रॉब्लम है अंदर क्या चीज़ें हो रही ना उसको जानना ज़रूरी है। मे बी स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, लाइक मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। तो जब आपके घरेलू नुस्खे काम नहीं आ रहे, हमेशा डर्मेट को दिखाना, एंड वही मैं अभी भी दिखा रही हूँ। जब भी मुझे दिक्कत लगती है अपनी स्किन में, सो आई गो टू अ डर्मेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम ऑफिशियल मेगा, व्हाट मेक्स यू जेलस? ओके, हाँ एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा जेलस फील कराती है, मुझे जेलस फील होता है जब लोग ना घूम रहे होते हैं, बाहर मज़े कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ट्रिप मार रहे होते हैं, मुझे बहुत जेलस फील होता है। और मतलब नहीं फील करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर रही हूँ तो ये भी मज़े नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं भी मज़े कर रही होती, ऐसा भी नहीं कि मैं नज़र लगा रही हूँ उनको, बट मैं अपने को वहाँ पर यू नो सोचना शुरू कर देती हूँ, काश मैं भी घूम रही होती यार, काश मैं भी मज़े कर रही होती। मतलब पहले तो ये था, स्टूडेंट थी, कमाती नहीं थी, तो तब पैसे नहीं होते थे कि मैं घूमूं, अब पैसे हैं लेकिन अब घूमने के लिए कोई नहीं, तो ये होता है मेरे साथ, तो मुझे जेलस फील होता है एक्चुअली, बट क्या कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मिनहाज शेख, दी व्हाट्स द मोस्ट पेनफुल एज वेल एज मोस्ट लर्नेबल थिंग यू सॉ इन योर लाइफ? व्हाट्स द मोस्ट
पेनफुल. ओके, सो द मोस्ट पेनफुल मोमेंट ऑफ माई लाइफ वॉज जब मेरी बड़ी सिस्टर जो थी ना वो एक्सपायर हुई थी. एंड मुझसे आई थिंक एक 1.25 साल ही बड़ी थी वो. एंड वी यूज टू बी लाइक, मतलब ऐसे थे हम ट्विंस नहीं थे, बट हम एक्ट करते थे दैट वी आर ट्विंस, क्योंकि हमेशा हम साथ रहते थे और हम दोनों सेम क्लास में पढ़ते थे. और क्या बोलते हैं, वो इतनी अच्छी थी ना, मतलब हर कोई इसका फ्रेंड बनना चाहता था. वो इतनी ज़्यादा ओपन अप थी लोगों से, इतने प्यार से बात करती थी, और बड़ों से छोटों से अपने सेम एज के लोगों से, मतलब हर कोई उसको प्यार करता था. मतलब उसके जाने के बाद भी पीपल स्टिल लव्स हर. सो सो व्हेन शी गॉट डायग्नोज विद कैंसर इट वॉज अ वेरी पेनफुल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. बट मैं तो बहुत ज़्यादा लाइक ब्रोकन थी, क्योंकि आई यूज टू बी लाइक हर शेडो. तो जब जिस इंसान के आप शेडो हो, जब वही इंसान नहीं रहे, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है. मेरे जो फ्रेंड्स होते थे ना उस टाइम पे, वो उसी की वजह से बनते थे, क्योंकि मैं नहीं बात कर पाती थी लोगों से. उसके फ्रेंड बनते थे, उसके थ्रू मेरे फ्रेंड्स बनते थे. वो लोगों से बात करती थी, उस वजह से लोग मुझसे बात करते थे. तो जब वो इस दुनिया से गई, तो आई वॉज लाइक आई यूज टू फील वेरी लोनली. बट कह सकते हैं कि वहां से मुझे एक हिम्मत आई कि इस पर दुनिया में कोई भी पूरा टाइम आपके साथ नहीं रह सकता है. आपको खुद से चलना पड़ता है, आपको कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता. वहां से मैंने ये चीज सीखी कि चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, मैं कभी किसी पे डिपेंड नहीं रहूंगी, ना ही इमोशनली और ना ही फाइनेंशियली. एंड मैं चाहती थी कि मैं बिना रोते हुए बोलूं, बट मैं क्या करूं यार, मैं बहुत रोती हूँ. सो यस, दैट वाज द मोस्ट पेनफुल मोमेंट फॉर मी. एंड आल्सो एट द सेम टाइम बहुत सारी लर्निंग्स मुझे वहां से मिली कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, ना कोई इंसान ना कोई सिचुएशन. वो आपके ऊपर है कि आप कैसे उससे बाहर निकलते हैं. यस सॉरी गाइज, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं नहीं रोऊँ ऐसी चीज़ों पे, बट मेरे आंसू नहीं रुकते, मेरी बात मानते ही नहीं है. ओके गाइस, तो सेकंड क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मुस्तकीम, विच इज़ योर फेवरेट स्वीट. सो पहले मेरा जो फेवरेट स्वीट था ना, वो गुलाब जामुन होते थे. मतलब मैं गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते थे मेरे को. लेकिन उसके बाद ना मुझे मीठा खाना इतना पसंद नहीं रहा, मतलब अब मुझे कम मीठा पसंद है. तो मुझे अब अच्छे लगते हैं रस मलाई और काजू कतली, ये दो चीज़ें मेरी फेवरेट हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट योर सिस्टर इज़ डूइंग और वट शी इज़ स्टडिंग. ओके, मेरी छोटी बहन भी है, अभी फ़िलहाल वो BEd कर चुकी है एंड शी इज़ लुकिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब इन टीचिंग. तो यस, शी इज़ डूइंग दैट. एंड हाँ, उसका ना स्टिचिंग का चैनल भी है. सो इफ़ यू वॉन्ट, आप उसके चैनल को ज़रूर चेक करिएगा. एंड उसकी जो वीडियोज़ बनाने के पीछे बहुत मेहनत होती है, तो प्लीज़ उसको लाइक करना, बहुत अमेजिंग टैलेंट है उसके पास. सो प्लीज़ आप उसके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम राबिया बानो. आई वॉन्ट अ सेपरेट वीडियो ऑन योर सूट्स एंड फ्रॉम वेयर यू बाय योर सूट्स. आई लाइक योर सूट्स. ओके, थैंक यू सो मच. तो मेरे सूट है ना, एक पर्टिकुलर जगह से नहीं होते, कुछ ऑनलाइन होते हैं, कुछ ऑफलाइन मार्केट से होते हैं. जहाँ पर मुझे पसंद आता है मैं ले लेती हूँ. मे बी आपको लग सकता है कि एक्सपेंसिव होते हैं, बट ट्रस्ट मी, मेरे सूट जो है ना एक्सपेंसिव नहीं होते. मतलब आज तक भी मैं इतना अच्छा खासा कमा लेती हूँ कि मैं खुद पर बहुत अच्छे से खर्च कर सकूँ. बट मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा खर्च नहीं करती, मतलब करती हूँ, बट जैसे कोई मुझे सूट पसंद आया ना, मुझे पता होगा कि इस सूट का ये प्राइस ये डिजर्व करता है, इससे ज़्यादा का है तो मैं नहीं खरीदूँ. क्योंकि मेरे को नॉलेज है कपड़े की, मेरे को नॉलेज है पैटर्न्स की, मेरे को नॉलेज है कि इसका क्या प्राइस हो सकता है. क्योंकि मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, मैं, हम तीनों को ही स्टिचिंग आती है, हम सबको फैब्रिक की नॉलेज है. तो हमको पता होता है कि अगर कोई चीज़ हमें दिख रही है, ये कितना प्राइस डिजर्व करती है, तो हम उससे ज़्यादा देते हैं इन केस हमें डेस्परेटली चाहिए, नहीं देते हैं इन केस हमें एक्सपेंसिव लग रही है वो. तो ये चीज़ है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं खर्च करती हूँ अपने कपड़ों पे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गिनी. दीदी, आप अपने स्कूल लाइफ की सबसे अच्छी मेमोरी शेयर करो हम सबके साथ. ओके, मेरी स्कूल लाइफ, ओ माई गॉड, आई जस्ट लव माई स्कूल लाइफ. मुझे बहुत अच्छी लगती थी. आई जस्ट यूज टू लव माई क्लासमेट्स, माई टीचर्स, माई स्कूल, माई क्लास रूम, माई डेस्क, माई सामने बोर्ड. मुझे बहुत अच्छा लगता था वो पूरा माहौल. सबसे अच्छी मेमोरी अगर स्कूल टाइम की कहूँ तो वो तब थी जब मैं मार्चिंग कंपटीशन में जाती थी. मतलब पूरा ग्रुप जाता था, 40 बच्चों का होता था आई गेस. हम सब जाते थे साथ में बस में बैठकर छत्रसाल स्टेडियम, वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस करते थे. 25th of Jan को हमारा वहाँ पर फाइनल कॉम्पिटिशन हुआ था. एंड वो चीज़
टीवी पर भी आई थी, वो जो पूरा एक्सपीरियंस था ना, आई थिंक एक महीने का, इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था ना, मतलब मुझे तो लगा पता नहीं कहाँ क्या बड़ा काम मैं करने वाली हूँ, करने जा रही हूँ, बहुत अच्छा लगता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम खान आयशा, आपके फोर हेड पर तिल है या बिंदी? ओके, सो मेरे फोर हेड पर जो आप देख रहे हो ना, ओके दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, ये एक्चुअल में तिल है, बिंदी नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि ये बिंदी है बट नहीं, तिल है। कुछ लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि आप मुस्लिम होकर बिंदी लगाती हो, जो चीज़ अल्लाह ताला ने मुझे नेचुरली दी है मैं उसको थोड़ा चेंज कर सकती हूँ। ओके, तो दिस इज द नेचुरल थिंग विच आई हैव। योर फनी सीक्रेट पूछ रहे हैं स्टबर्न लड़की। मेरा फनी सीक्रेट है, बहुत बहुत फनी सीक्रेट है और बहुत अच्छा वाला सीक्रेट है जो मैं शेयर करने का सोच रही हूँ काफ़ी टाइम से। लास्ट क्यू एन ए में भी आई थिंक इसी क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया था एंड मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी क्योंकि अब मेरे पास वो प्लेटफॉर्म है, अजफरनामा पर मैं शेयर करूंगी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हिना पठान, आपने कभी अपनी अम्मी से डांट खाई है क्या? बहुत खाई है, अभी भी खाती हूँ, मुझे लग रहा है मैं ज़िंदगी भर खाती रहूँगी अपनी अम्मी से डांट। मतलब लोग सोचते हैं ना कि अरे दी तो सीए है, दी तो यूट्यूबर है, दी को तो इतने लोग फॉलो करते हैं, दी को तो प्रिंसेस वाली ट्रीटमेंट मिलती होगी। भैया ऐसा नहीं होता, घर में मुझे नॉर्मल फीलिंग आती है, मुझको नहीं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती, अभी भी डांट खाती रहती हूँ रोज़ कि ये नहीं करा, कि वो नहीं करा, मुझे बहुत गुस्सा भी आता है यार, क्या यार मतलब, बट ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सक्षम चौधरी, हाउ टू बी डाउन टू अर्थ लाइक यू मैम? अभी जो क्वेश्चन है ना आपका, पहली बात तो इफ़ यू फील दैट आई एम डाउन टू अर्थ, इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, क्योंकि डाउन टू अर्थ सामने वाले को लगना इज़ अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि आप चाहे कितनी ही ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाए, अगर आप अपने रूट्स से जुड़े हुए हैं ना, दैट इज़ द बिगेस्ट सक्सेस फॉर यू। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो पहले वाले क्वेश्चन के आंसर से ही मिलता जुलता है। मेरे को घर में कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, मैं जैसे सी स्टूडेंट थी, मैं घर के जो काम करती थी, साफ़ सफाई, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कभी कभी कूड़ा फेंकना, ठीक है, ये मैं सारे काम अभी भी करती हूँ। आप ये सोच सकते हैं कि लोग जहाँ मुझे सोच रहे होंगे दी सी ए है, दी यूट्यूबर है, 127 लोग उनके यू नो सब्सक्राइबर्स हैं, 127,000 जो लोग हैं वो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, तो दी तो बहुत प्रिंसेस वाली फील आती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार हमारे घर पर रहकर देखो, आपको सब पता चल जाएगा कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। जो मैं पहले जब सीए नहीं बनी थी, जो मैं पहले थी वैसे मैं अभी भी हूँ, कुछ फ़र्क नहीं आया। बस यही कि मैं आप सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम प्रतिमा, व्हाट ईयर वुड यू ट्रैवल बैक इन टाइम एंड व्हाई? बाय द वे लव यू लॉर्ड्स अस्पर दी। ओके, एक साल जो मैं फिर से जीना चाहूँगी वो होगा 2009 का साल, क्योंकि 2009 में मैं अपनी 10वीं क्लास में थी एंड वो मेरे लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट था। मेरी 10वीं वाली जो लाइफ थी ना, दैट वाज द बेस्ट लाइफ, क्योंकि इतने अच्छे क्लासमेट्स मुझे मिले थे, इतना अच्छे टीचर्स मुझे मिले थे एंड इतना प्यारा माहौल होता था, पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। जो 10वीं का जो लेवल था ना, वो डिफरेंट लेवल था। मतलब हर हफ्ते ड्यूटीज हो रहे हैं, टीचर्स आपकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं एंड फीडबैक देते थे, तो बहुत मज़ा आता था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम बी सौरभ, दीदी अगर आपको मौका मिले बॉलीवुड मूवी करने का तो कौन सा एक्टर चूज करेंगी? ओके, आई थिंक आई वुड चूज अमिताभ बच्चन, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो, उनकी एक्टिंग बहुत पावरफुल होती है एंड अमिताभ बच्चन के साथ साथ नेक्स्ट हीरो वुड बी आमिर खान, मुझे वो भी बहुत पसंद है। तो ये दो होंगे एक्टर्स जिनके साथ मैं एक्ट करना चाहूँगी इन केस मुझे मौका मिला तो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मुस्कान, विच बॉलीवुड मूवी यू लाइक द मोस्ट? अब तो मैं मूवीज़ वगैरह देखती नहीं हूँ, बट पहले की जो भी थी वो मैं देखती थी, सो उसमें मेरी फेवरेट मूवी थी जब प्यार किया तो डरना क्या, हाँ, जो सलमान खान की और काजल की थी ना, ओ माय गॉड, मैं अभी भी उसको मल्टीपल टाइम देख सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो, अभी भी टीवी पे आए ना तो मैं देखने लग जाती हूँ। इवन प्यार तो होना ही था जो काजोल एंड अजय देवगन की है ना, वो भी बहुत अच्छी है। मतलब ऐसे जो मूवीज़ है ना, जो बिल्कुल फन वाली है, जो जिनको आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो, तो देखने में बहुत मज़ा आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम श्रीनिवास हवलदार, विच यू लाइक द मोस्ट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक? सो आई लाइक इंस्टाग्राम द मोस्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसमें ज़्यादा पर्सनल टच है, आप ज़्यादा यू नो क्लोजली इंटरेक्ट कर सकते हैं विद योर फॉलोअर्स। यूट्यूब इज़ माई सेकेंड प्रेफरेंस, वाई? क्योंकि यूट्यूब पर डेफिनेटली ऑब्वियसली मेरा जो बेस, मेन बेस मेरा यूट्यूब पर ही है, बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्सनल टच नहीं मिल पाता है, तो मुझे इंस्टाग्राम ज़्यादा पसंद है, बट ऑब्वियसली यूट्यूब से मेरा काम चल रहा है तो यूट्यूब इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट। नाउ अल्फिया पूछती हैं, इंस्टेड ऑफ सी ए हैव यू एवर थॉट ऑफ बींग अ डांसर, एक्टर एंड ऑल? Does your family support you? Yes, सोचा था मैंने, बहुत सोचा था एक्चुअली एक टाइम पर, बट नो,
इंडियन फैमिलीज डोंट रियली इनकरेज यू इन सच थिंग्स. उनका भी ठीक है, पॉइंट वैलिड है, क्योंकि नेवर नो ये इंडस्ट्री जहाँ पर जा रही है, नेवर नो कि कोई आपका गलत फ़ायदा भी उठा सकता है. सो नहीं, उन्होंने सपोर्ट नहीं करा, बट हाँ सोचा था मैंने. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर बीएफ नेम. आई थिंक यू आर आस्किंग फॉर माई बेस्ट फ्रेंड. सो आई एम माई ओन बेस्ट फ्रेंड. बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? जो जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकते हो, जो आपको समझता है, जिसके साथ रहना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है. तो वो मैं खुद ही हूँ. मुझे अपनी कंपनी बहुत पसंद है. सो आई एम माई ओन बेस्ट फ्रेंड. सो अजफर खान इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अजफर खान. ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना? चकाचक मस्त. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पढ़ाई के साथ मस्ती एंड स्पिरिचुअलिटी कैसे मैनेज करते थे? आप बेसिकली बोल रहे हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ नमाज कुरान वगैरह पढ़ती थी. हाँ मैं पढ़ती थी, अभी भी पढ़ती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी भी आपकी लाइफ में होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको होप देती है, आपको पॉजिटिव इंसान बनाती है. आप चाहे कितना ही आगे क्यों ना चले जाए, कभी भी अपने क्रिएटर को नहीं भूलना चाहिए. तो देखो टाइम निकालना पड़ता है आपको. ठीक है, इनकेस आपके लिए कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको टाइम निकालना ही पड़ता है. तो कैसे भी करके आप निकालेंगे इनकेस वो चीज़ इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप उसको तवज्जो नहीं देते देन वो अलग बात है. अगर तवज्जो देते हैं तो आप ज़रूर उसके लिए टाइम निकालेंगे, जैसे मैं निकालती थी. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज अमरजीत योर बर्थ प्लेस एंड चाइल्डहुड सिटी. तो दोनों ही मेरी चीज़ें हैं. न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में ही मेरा जन्म हुआ है, यही मेरी चाइल्डहुड सिटी है. आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं तो यूपी के बारे में शेयर करती हूँ. सो जो यूपी है ना, वहाँ पर मेरे पेरेंट्स का जन्म हुआ था, मतलब मेरे पेरेंट्स देन उनके पेरेंट्स. तो बेसिकली उनका जो लेगेसी है वो यूपी से है, बट शादी करने के बाद वो दिल्ली शिफ्ट हुए. दिल्ली में मैं हुई, देन मेरे भाई बहन हुए, तो हम जब से दिल्ली में रह रहे. तो यस, दिस इज़ माय बर्थ प्लेस एंड माय चाइल्डहुड सिटी. एंड हम यूपी में विजिट करते हैं, साल में एक आध बार विजिट करना हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वहाँ पर रहते हैं अभी भी. तो इसलिए एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है साल का वो टाइम जब मैं यूपी जाती हूँ, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर्स. क्योंकि विंटर्स में ना गाँव जो खूबसूरत लगता है ना, मतलब क्या खूबसूरत लगता है, मतलब अभी भी लगता है, लेकिन वो चीज़ अलग है कि मुझे गर्मी बहुत लगती है, तो मुझे गर्मी में जाना पसंद नहीं है. इसलिए आई ऑलवेज लुक टूवर्ड्स द विंटर्स, कि विंटर आएंगे एंड देन कभी हम जाएंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम खुशबू. जस्ट सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग ना हो, मतलब जब सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग ना हो तो उनको कैसे, उसे कैसे डील करते हो? देखो मैंने ये चीज़ सीख ली है कि हमेशा लाइफ आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकती. ये नहीं होगा कि आपने जो चाहा वही हुआ आपके साथ. एंड मेरे साथ तो ज़्यादातर यही हुआ है कि जो मैं नहीं चाहती हूँ वही मेरे साथ होता है. अब मैं रोने नहीं बैठ जाती, यार क्या मैंने तो ये सोचा था ये होना चाहिए था, मेरे साथ ये हो रहा है. मैं कभी रोने नहीं बैठती हूँ. मुझे हमेशा यही लगता है कि हर चीज़ होने के पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न होता है जो आप नहीं देख पा रहे हैं अभी, क्योंकि आप सिर्फ उसी मोमेंट पर बैठकर उस चीज़ को जज कर रहे हैं. आपको नहीं पता बड़े पर्सपेक्टिव से कि वो चीज़ आपकी लाइफ में क्या पॉइंट, क्या टर्निंग पॉइंट लेकर आने वाली है. एंड आई ऑलवेज बिलीव लाइफ में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है. आई नो कुछ चीज़ें बहुत बुरी होंगी, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, बट जस्ट बिलीव इन द प्लानिंग ऑफ योर क्रिएटर. आपको हर चीज़ में पॉजिटिविटी दिखने लग जाएगी. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सिद्धार्थ पांडे. हैज़ समवन कॉट यू डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर? बहुत बार बचपन में, मोस्टली मैं करती थी तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था. मतलब आई एम डांसिंग एंड कोई आ जाए एंड आई वाज लाइक ये क्या हो गया, आपको नहीं आना था, क्यों आए आप? तो बहुत बार हुआ है, बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती, क्योंकि उसके बाद फिर मेरा करने का मन ही नहीं करता. ठीक है जाओ, अब तुमने देख लिया ना खुश, अब जाओ, ऐसा होता था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्बैरेसिंग मोमेंट इन पब्लिक प्लेस. यार मेरी लाइफ तो फुल ऑफ एम्बैरेसिंग मोमेंट्स है. एक बार क्या हुआ, मेरे ना एग्ज़ाम थे सीए के, झंडे वालान मेरा सेंटर पड़ा, मैंने एग्ज़ाम दिया, बाहर आई, गेट से निकली, एग्जामिनेशन सेंटर के गेट से बाहर निकली, मेरी चप्पल टूट गई. लगा चल ठीक है, एक तो सही है मेरी, एक थोड़ा रगड़ रगड़ के पैर चलूँगी, पहुँच जाऊँगी घर पे. थोड़ा कदम चली, दूसरी चप्पल टूट गई, दोनों चप्पल मेरी टूट गई. अब आसपास कुछ नहीं दिख रहा यार, कौन सा मोची कहाँ से सही कराऊँ. मैंने सोचा नई चप्पल ले लूँगी, कोई दुकान पड़ेगी, लेकिन रास्ते में कोई दुकान ही नहीं पड़ी. अब यार मैं वहाँ से, मतलब घर पास तो नहीं था, आधा पौना घंटे का रास्ता था, और यू नो मेट्रो से आना था. अब मुझे पूरा रास्ते अपने हाथ में चप्पल पकड़ कर आना पड़ा, एंड दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर मी. या ऐसे बहुत मोमेंट्स हुए हैं यार मेरी लाइफ में. चप्पल वाला तो बहुत ज़्यादा हुआ है मेरे साथ. हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि क्या जब भी बाहर निकलो चप्पल टूट जाती है, पर ठीक है यार, मतलब सीख लिया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम इल्मा. अम्मी क्या बुलाती हैं आपको प्यार से और गुस्सा नाराज़ होने पर? वैसे गुस्सा नाराज़ होने पर प्यार से एक ही नाम बुलाती हैं, मतलब दो तीन नाम बुलाते हैं बेसिकली. बुलाती हैं अजफरा, फरिया, अप्सरा, फरा, ये सारे नाम बुलाती हूँ मुझे.
तो अब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता प्यार में गुस्से में या नाराज होने पे, आई डोंट नो। प्यार में तो नहीं यार, हमेशा चिल्ला के बुलाती हूँ मेरे को, तो जो भी है बस यही है। ना मिश्रा जी पूछ रहे हैं द मोस्ट हॉरिबल इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ। हाँ एक है, मैं और मेरे फादर ना ट्रेन से कहीं जा रहे थे, बीच में ना स्टॉप आया, हमें ट्रेन चेंज करनी थी, एंड मैं अपने पापा के साथ ही थी, हाथ पकड़ के चल रही थी, बट पता नहीं कहाँ पर गुम हो गए वो, कहाँ निकल गए, मैं रह गई बीच में। मैं वहाँ पर स्टेशन पर खड़ी हूँ, मुझे अपने अब्बू नहीं दिखाई दे रहे, इतनी भीड़ है आसपास, लोग चढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी ट्रेन में कि ट्रेन कहीं निकल ना जाए ना। वो सर्चिंग फॉर माई फादर, मुझे ऐसा लगा कि यार पता है मुझे क्या विजुअल्स आने लगे कि ना अब क्या होगा कि मुझे मेरे अब्बू नहीं मिलेंगे, मैं यहीं पे पड़ी रहूँगी, कोई मुझे उठा लेगा यहाँ से और फिर मुझसे भीख मंगवाएगा, और फिर मैं वैसे गंदे कपड़े पहनकर जगह जगह घूमूंगी, और शायद अब मेरी लाइफ यही होने वाली है। वो सारे विजुअल्स मुझे आने लगे कि अब मेरी लाइफ ख़त्म। बट देन कुछ सेकंड्स के बाद मुझे मेरे अब्बू दिख गए, और फिर हमने हाथ पकड़ के फिर दोबारा से हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़े। तो ऐसा कुछ हुआ था बचपन में जो कि बहुत हॉरिबल था मेरे लिए। मतलब ऐसे मोमेंट पर ना सब कुछ याद आ जाता है आपको, और बहुत अजीब लगता है। सो यही ज़्यादातर क्वेश्चंस थे। हाँ कैसे भूल सकती हूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कौन से आए मुझे, व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड, व्हाई आर यू सो क्यूट, व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड, व्हाई आर यू सो क्यूट। क्यूट का तो चलो मैं नहीं लूँगी अपने ऊपर, क्योंकि उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द क्रिएटर एंड माई पेरेंट्स। ओके जो भी हाथ है उनका हाथ है। व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड, सिंपल आंसर इसका मैं यही देना चाहूँगी, हर चीज़ होने का एक अहम टाइम लिखा हुआ है। जब भी वो वक्त आपकी लाइफ में आ जाएगा, आपको वो चीज़ करनी ही पड़ेगी, आप खुद उस सिचुएशन में उस जगह पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर वो चीज़ होनी है। आई लाइक ट्रूली बिलीव इन डेस्टिनी। कुछ लोगों की शादी 18 की एज में हो जाती है, कुछ की 16 की भी मैंने होते हुए देखी जो कि इलीगल है ऑब्वियसली, कुछ की 20 में, 22 में, कुछ की 40 में भी हो जाती है, कुछ की 30 में हो जाती है। तो मतलब हम ऑब्वियसली हर कोई ट्राई करता है कि सही वक्त पर हो जाए, लेकिन आपकी लाइफ में जो मोमेंट जब डिसाइड है कि इस मोमेंट पर आपके साथ ये चीज़ होनी है, तो वो होगी। ऐसे बहुत सारे रिश्ते भी आए हैं जिन्होंने बोला कि बाकी सब तो ठीक है, हम जॉब नहीं कराएंगे, जो मैंने इतनी मेहनत करी है, अपनी डिग्री हासिल करी है, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है आपकी नज़रों में? मैं पैसों की भूखी नहीं हूँ, पहली बात। मुझे ये नहीं कि आप दिखा दें मुझे अरबपति है, बहुत बड़ा बंगलो है, एंड आई विल बी इम्प्रेस्ड। नहीं, मैं बिलीव करती हूँ कि खुद के कमाई से चीज़ बनाए उसका ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे अपनी पहचान बनाकर आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती वैसी लाइफ जीना। बेसिकली हर लड़की का अपना अलग क्राइटेरिया होता है, अलग सपना होता है। मेरा सपना ये है कि मैं खुद के दम पर कुछ करूँ, खुद से कुछ चीज़ बनाऊँ जिसका मैं मज़ा ले सकूँ, आगे जाकर अपने बच्चों को ये सीख दूँ कि आप भी अपने पैरों पर खड़े हों। फ्यूचर में कभी अगर मुझे लगेगा, ऑब्वियसली आई विल गेट मैरिड, ऐसा नहीं कि मैंने सोच रखा है दैट आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड, नो आई विल गेट मैरिड, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट ऑफ योर लाइफ, वो मुझे करना है। बट ऐसा नहीं कि सब छोड़ दूँ जस्ट बिकॉज मुझे आपके घर की बहू बनना है, मुझे ऐसा नहीं करना। या ओके गाइज, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्यू एन ए वीडियो। आई होप आपने आज की मेरी क्यू एन ए वीडियो को इन्जॉय करा होगा। काफ़ी सारे ऐसे आंसर भी मैंने दिए जो मुझे लग रहा है कि मे बी मेरे कुछ रिलेटिव्स को पसंद ना आए कि हाउ शी इज़ सो आउट स्पोकन हियर, बट ठीक है, मेरे मन में जो चीज़ आ रही है मैं बोलूँगी। येस गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आते वीडियो प्लीज़ लाइक करना, इसको शेयर करना, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अस्पर नामा को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इसमें बहुत जल्दी से ग्रोथ कराइए। एंड मैं आती रहूँगी इन्हीं तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। टिल देन बाय बाय, एंड अस्पर, देखा मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं ना पूरी लाइन ठीक बोलूँगी, बाद में ना एक ऐसा वर्ड मैं गलत बोल दूंगी कि मुझे फिर से रिपीट करना पड़ता है। मेरे साथ यही होता है यार, क्या करूँ, फिर से बोलते हैं। सो यस गाइज, विद दिस आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।